पूर्व पुलिस आयुक्त हसन गफूर ने मुंबई हमलों के दौरान चार आला अफसरों पर कामचोरी का बयान पर सफाई दे दी है। गफूर ने अपनी लिखित चिट्ठी गृह सचिव के दफ्तर में पहुंचा दी है। गफूर के इस बयान पर कोंकण रेलवे के आईजी परमवीर सिंह ने मानहानि का दावा ठोकने का फैसला लिया था। मुंबई हमलों को एक साल बीत गया, लेकिन तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हसन गफूर के दिए बयान की आग अभी तक सुलग रही है। हसन गफूर ने एक अंग्रेजी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमलों के दौरान चार आला अफसर केएल प्रसाद, परमवीर सिंह, एस वेंकटेशम और देवेन भारती अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे। इस बयान ने पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया था, जिसके चलते परमवीर सिंह ने हसन गफूर पर मानहानि का मुकदमा ठोकने का फैसला कर लिया था। इस मामले में बीच बचाव करते हुए गृह मंत्रालय ने हसन गफूर से इस बाबत जवाब तलब किया था। हसन गफूर ने गृह मंत्रालय के सचिव चंद्रा अयंगर को लिखे अपने जवाब में कहा है कि जिस मैगजीन में उनका बयान छपा था उसके पत्रकार ने उन्हें उकसाया था। उसने कई बार हेमंत करकरे, अशोक कामटे की शहादत पर सवाल उठाए और इसी के साथ उसने इन चार अफसरों के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि केएल प्रसाद, परमवीर सिंह, एस वेंकटेशम और देवेन भारती जैसे अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। गृह मंत्रालय अब इस जवाब पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्री आर आर पाटिल को भेजेगा। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय गफूर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बस आइंदा मीडिया से बात करने पर सावधानी बरतने की चेतावनी देकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।